हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को एमएस एक्सेल में टारगेट चार्ट। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यह मंथ दिया गया है और यह आपको जो है सेल प्रोडक्ट दिया गया है और यह आपको जो है सेल्स में फार्मूला लगाया गया है। यह आपको टारगेट में जो है रेट दिया गया है कि कितना टारगेट आपको दिखाना है। अगर यहाँ पर अगर टारगेट आप जैसे कि मान लीजिए 40 दे दे रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है 40 यहाँ पर करेंगे, और यहाँ पर आप दे दे रहे हैं 60 तो 60 वाले में वैल्यू दिखाएगा। और यहाँ से आप लोग जो है एबव कर दे रहे हैं तो यह एबव की वैल्यू दिखाएगा, और आल प्रोडक्ट यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यह आपको आल भी प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाने वाला है। तो यह किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है देख सकते हैं यहाँ पर। और इसमें जो है हम यूज करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए यह मेरा देना चाहता हूँ मैं इसको 90 सेल्स, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ से देखेंगे कि ये जो ऊपर चला चुका है। ओके, तो यह जो है एमएस एक्सेल के अंतर्गत बनाया गया है इसको है। तो आज इसी को हम जो है टारगेट जो है सेल्स यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट है तो आप लोग वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा। इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। इससे जो भी हमारा वीडियो बनेगा वो आप लोगों को नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करना, और इसको जो है हम कट करके यहाँ पर एक नया शीट यहाँ पर यूज कर ले रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर जो हम एक शीट यूज कर लिए हैं, यहाँ पर लिखा है मंथ सेल्स और यहाँ पर सेल और सेल्स टारगेट, टारगेट यहाँ पर दिखा गया, सो डेट यहाँ पर टाइप किया गया है। तो मंथ वाले पे हम टाइप कर लेते हैं जन, और यहाँ पर इसको जो है ड्रैग करना है तो आपको जो है दिसंबर तक यहाँ पर ड्रैग कर देना है, ये आपका ड्रैग हो जाएगा। और यहाँ पर सेल में जो भी यहाँ पर यूज करना चाहते हैं प्रोडक्ट, तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं सेल प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 30, 15 या 85, 75, यहाँ पर जो भी आप लोगों को टारगेट यहाँ पर देना चाहते हैं ये वैल्यू आप लोग यहाँ पर इशू कर सकते हैं। ओके, तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पर टारगेट में यह देख सकते हैं कि कैसे इसका यूज करना है। अब यहाँ पर टारगेट में आप लोगों को यूज करना है तो मैं यहाँ पर मेरा लगा हुआ है तो मैं इसका यूज करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कैसे इसका यूज करते हैं। तो आप लोग जो है दूसरी सीट पर एक है, यहाँ से 10 से लेके आप लोग जो है यहाँ पर 100 तक जो है काउंट आप लोग जो है नंबर लिख लेंगे। और यहाँ पर लिखने के बाद जस्ट बगल में इसको जो है यहाँ पर आर लिख देंगे एबव, और यहाँ पर यह टाइप करने के बाद आपको जो है सीट पर आना है। मैं इसको जो है डिलीट करके आप लोगों को दिखा करके यूज करता हूँ। तो डेटा में जाता है, डेटा में जाना है, इसके बाद डाटा वैलिडेशन, और यहाँ से मैं जो है क्लियर कर लेता हूँ इसको। अब यहाँ से क्या करना है आपको, अलाउ वाले ऑप्शन पर आपको एक मिल जाएगा लिस्ट, तो लिस्ट वाले पर क्लिक करना है और यहाँ पर सोर्स वाले पर क्लिक कर देना है। सोर्स वाले पर जैसे क्लिक करने के बाद आपको शीट 2 पर आना है। शीट 2 पर आने के बाद यहाँ से इसको जो है सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे जो आपको टारगेट है ये आपका आ चुका है, जैसे कि 30 जो भी है, 60, 70 जो भी देना चाहते हैं यहाँ पर दे सकते हैं। अब यहाँ पर इसको भी मैं यहाँ से फिर से क्या करता हूँ क्लियर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर यूज करना है तो मैं यहाँ से यूज करके दिखा दे रहा हूँ, डाटा में जाऊंगा और यहाँ से क्लियर हो चुका है, यहाँ से लिस्ट च्वाइस करूंगा, सोर्स वाले पर क्लिक करूंगा और शीट 2 पर जाऊंगा और इसको जो है सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ से ओके कर देना है। इतना करने से आपका जो है यहाँ पर काम जो है रेडी हो चुका है लगभग में। अब यहाँ पर आपको यूज करना है टारगेट, कितना टारगेट ये जो दिया गया उतना टारगेट यहाँ पर आना चाहिए। तो इसको करना है इक्वल, और टारगेट वैल्यू पर क्लिक करके इसको जो है फुल्ली फिक्स कर लीजिएगा F4 की के माध्यम से। इतना करने के बाद यहाँ पर एंटर कर देना है। इतना करने के बाद आप जो है यहाँ से आने के बाद यहाँ तक आप लोग है ड्रैग कर देना है, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अभी इसमें जो है कोई भी यहाँ से कलर देना चाहते हैं तो कलर आप लोग बहुत ही सिंपल से यहाँ से तरीका से दे सकते हैं। ये देखेंगे कलर है आपका यहाँ पर मैचिंग कर रहा है, ये आप कलर यहाँ पर दे दे रहा हूँ और यहाँ से आल बॉर्डर का यूज कर दिया हूँ। ओके, इतना आप लोग कर सकते हैं। और इसमें भी मैं एक जो है ऑल बॉर्डर यूज कर लिया हूँ, ये आपको मिल गया यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है सेल्स में मुझे एक फार्मूला का यूज करना है, तो चलिए इसको फार्मूला थोड़ा सा देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर फार्मूला जो है हमें यूज करना है इफ का।
अगर आप लोग ईव का फार्मूला नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लोग देख सकते हैं ईव, इसमें जो है ईव का फार्मूला हम लगा के यहाँ पर दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, इक्वल टाइप करना है, यहाँ पर लिखना है इफ कोष्टक आर लॉजिक टेस्ट। तो इसमें लॉजिक टेस्ट हमें यूज नहीं करना, एंड का फार्मूला लगा देना है। ओके, इसके बाद यहां से करना है कोष्टक आन, इसके बाद यहां से शो डेट वाले को क्या करना है, क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करने के बाद फुल्ली फिक्स कर लेंगे F4 की के माध्यम से। इसके बाद यहां पर क्या करना है, इक्वल और यहां पर डबल एट कामा से क्लोज कर लीजिए, आन कर लीजिएगा, और यहां पर टाइप करना आप लोगों को एवब AVOVE और डबल डॉट कॉमा क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद फिर से देना है कॉमा। अब यहां पर आपसे सेल्स की बात किया जाएगा, तो सेल्स आपको जो है यहां पर मिल जाएगा C3 में। C3 में देने के बाद यहां से आपको जो है ग्रेटर देन का यूज करना है। ग्रेटर देन के बाद यहां पर टारगेट को यूज करना है, तो टारगेट हमारा जो है G3 में है, तो G3 के यहां पर क्लिक करने के बाद इसको भी फुल्ली फिक्स कर लेना है। यहां पर कोष्टक बंद करना है, इसके बाद यहां पर क्या करना है आप लोगों को कॉमा दे देना है। वैल्यू इज ट्रू, तो वैल्यू इज ट्रू किसके साथ यूज करना चाहते हैं, सेल के साथ। ओके, यहां पर देना है कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, इतना आप लोगों को अगर कॉन्फिडेंस हो जाएगा यह चीज फार्मूला, तो यही फार्मूला आपको जो है तीन मतलब 2 बार अभी और यूज करना है, इतना ही फार्मूला। लेकिन यहां पर आपको जो है कुछ जो है चेंजिंग मिल जाएगा। ओके, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, कॉमा देने के बाद टाइप करना है आप लोगों को इफ कोष्टक आन। यहां पर फिर से पूछा जा रहा है लॉजिक टेस्ट, तो यहां पर मुझे अभी यूज करना है एंड का फार्मूला। यहां पर देख सकते हैं एंड का फार्मूला इफ के बाद लगाया गया है और कोष्टक आन कर देना है। अब यहां से फिर से क्या करना है, शो डेट को, तो यहां पर मैं क्लिक नहीं कर सकता हूं, तो यहां पर मैं टाइप कर दूंगा H3। तो यहां पर H यहां से टाइप करना है 3, और इसके करने के बाद इसको जो है फुल्ली फिक्स कर लीजिएगा। यहां पर देना इक्वल डबल इट कामा, और यहां पर टाइप करना है BELOW, डबल इट कामा से बंद कर लीजिएगा। अब फिर से करना है कॉमा। अब यहां पर देखिएगा एबव के बाद जो मैं दिया गया था सेल्स, तो यहां पर फिर से करना आप लोगों को सेल। हाँ, जो इसमें लॉक नहीं है तो इसमें भी आप लोगों को लॉक नहीं करना है। यहां पर आपको देना है लेस देन का सिंबल। ओके, लेस देन का सिंबल देने के बाद आपको फिर से देना है टारगेट, तो टारगेट आपका G3 में है, तो यहां पर टाइप कर लीजिएगा G3। इसको भी आप लोग जो है फुल्ली फिक्स कर लेना है। कोष्टक बंद करना है, फिर से देना है कॉमा। कॉमा देने के बाद सेल्स को यूज कर लेना है, तो सेल्स यहां पर आ जाएगा। फिर से देना है कॉमा, अब टाइप करना है इफ कोष्टक आन। फिर से यहां पर आपको इफ यूज करने के बाद इतना ध्यान रखना है, अब यहां पर आप लोगों को यूज करना है शो डेट। तो शो डेट के लिए मैं यहां पर टाइप कर देता हूं H3, और इसको जो है फुल्ली फिक्स कर लेता हूं। ओके, फिर से देना है इक्वल और डबल डॉट कॉमा से अंदर आपको लिखना है आल, डबल डॉट कॉमा क्लोज कर लीजिएगा। फिर से देना है आपको कॉमा, और यहां पर सेल वाले पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद यहां पर करना है कॉमा, और यहां पर ट्रू के लिए 0। अब यहां पर आपको जो है कितना बार कोष्टक ऑन हुआ है यहां पर देख सकते हैं 1, और इसके लिए तो ये आपका बंद हो चुका है, और यहां पर मिला 2, और ये आपका मिला 3। तो 3 बार जो है कोष्टक यहां पर बंद कर देना है, 1 2 3। इंटर कर देंगे तो ये आपका देखेंगे 30 आ गया, और यहां से इसको जो है ड्रैग कर देना है। तो इस तरीके से आपको जो है यहां पर वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो आप इतना करने के बाद ये आपको यूज करना है, देखेंगे कि ये जैसे यहां पर क्लिक करेंगे ये आपको जो है वैल्यू मिलता जाएगा, और ये आपको जो है यहाँ से आल पर क्लिक किया है तो आल पर दिखाई देगा, अगर एबव पर क्लिक करेंगे तो ये एबव में दिखाएंगे कि 40 से जो कम रहेगा, सॉरी जो 40 से ऊपर रखा देगा वह यहाँ पर शो करेगा, अन्यथा
नहीं शो करेगा, जीरो दिखाएगा। बिलाव में क्लिक करेंगे तो 40 से जो कम रहेगा वह शो करेगा और बाकी सब जीरो दिखाएगा। अब यहाँ पर हमें जो है एक चार्ट यहाँ पर यूज करना है, तो चार्ट के लिए हमें यूज करना है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर मंथ और सेल और यहाँ से टारगेट वैल्यू को, ओके टारगेट वैल्यू को सेलेक्ट करना है और मंथ और सेल को, यह वाला वैल्यू आपको नहीं सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर जाना है इंसर्ट में, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर क्या करना है, क्लिक करके पहले वाले सेल को क्लिक कर लीजिएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि जो आप लोगों को मिल गया है यहाँ पर, तो इसको जो हम दे देते हैं यहाँ पर नाम टारगेट सेल्स, सेल्स, और इसको जो है थोड़ा सा हम यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं छोटा, और इसको साइड में रख देते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेंगे और इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे आप लोग। ये आपका आ चुका है। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, ये जो टारगेट वाला है इस पर क्लिक करना है, माउस का राइट क्लिक करना है, यहाँ पर मिल जाएगा आपको चेंज सीरीज चार्ट टाइप, क्लिक करिएगा और यहाँ पर आपको जो है टारगेट का वैल्यू दिख जाएगा, तो टारगेट में क्लिक करना है और इस वाले पर ऑप्शन पर क्या करना है, क्लिक कर देना है आप लोगों को, तो देखेंगे एक लाइनिंग बन के आ चुकी है, यहाँ पर क्या करना है ओके कर देना है, तो देखेंगे यह लाइनिंग जो है आ चुकी है और बाकी जो है हट चुका, क्योंकि मेरा टारगेट यहाँ पर 40 है। अब यहाँ पर जैसे 70 पर क्लिक करेंगे तो ये 70 पर आपकी वैल्यू यहाँ पर चली जाएगी, और यहाँ पर 90 पर क्लिक करेंगे तो 90 दिखाएगा, और यहाँ से आपको एबव पर क्लिक करेंगे तो एबव वाला आपको जो है काउंट करके यहाँ पर दिखाई देगा, और यहाँ से आपको जो है ऑल पर क्लिक करेंगे तो यह पूरा आपको शो होने वाला यहाँ पर है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक कंडीशन यूज करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ये आपको यहाँ से 70 आपका आ चुका। यहाँ पर क्या करना है, क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पर क्लिक करिएगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि ऐड डेटा लेबल पर क्लिक कर दीजिएगा, तो इसका जो है ऐड यहाँ पर पॉइंट एक मिल चुका है 70। अब इसको जो है थोड़ा से आप लोग क्या करेंगे, यस उठा करके सीरीज यहाँ पर छोड़ देना है। इतना करने के बाद इसमें जो भी कलर देना चाहते हैं यहाँ से आप लोग दे सकते हैं, और इसको जो है थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे और जो है इंक्रीज फॉन्ट साइज यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपका 70 हो गया, यहाँ से जैसे वैल्यू आपको चेंज करना है 40, तो ये आपको 40 पर दिखाई देगा, और यहाँ से कोई वैल्यू भी आप जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 10 कर दे रहे हैं, तो ये आपको पॉइंट जो है 10 पर आ जाएगा। इसी तरीके से हम दे रहे हैं और भी पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए 20, तो यहाँ पर देखेंगे कि 20 या सीरीज में कम हो चुका है, और यहाँ से पॉइंट जैसे ही आपको टारगेट देंगे मान लीजिए हम यहाँ पर दे रहे हैं 70, ये आपको पॉइंट यहाँ पर 70 में आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से एक जो है सेल्स टारगेट आप लोग जो है यहाँ पर बना सकते हैं, और इसको जो है डिजाइन, यहाँ पर डिजाइन में जाइएगा और कोई भी एक यहाँ से जो है डिजाइन आप लोग जो च्वाइस करना चाहते हैं वह यहाँ से च्वाइस कर सकते हैं। यह थोड़ा सा डिजाइन अच्छा लग रहा है यहाँ पर, इसको यह आपको एडजस्ट यहाँ से कर लीजिएगा थोड़ा से, और जो है ऊपर कर लेना ऐसे, और यहाँ पर आप लोग जो है टारगेट नेम सेल्स का यूज कर लेना है, तो मैं इसको मर्ज कर दे रहा हूँ यहाँ पर, और जो टाइप कर दे रहा हूँ यहाँ पर टारगेट सेल्स, ये आपका आ चुका है। यहाँ क्लिक करेंगे और इसको जो है ग्रीन कलर में यहाँ से क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर बोल्ड कर लेंगे, और फॉन्ट साइज जो है इंक्रीज करके फॉन्ट स्टाइल आप लोग थोड़ा सा यहाँ से चेंज कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है आप लोग एक टारगेट वैल्यू को बना सकते हैं, यहां पर देखेंगे इसको एडजस्ट थोड़ा से कर लेंगे, बस ये आपका हो गया काम कंप्लीट यहां पर। तो इस तरीके से एक जो है सेल टारगेट्स आप लोग बना सकते हैं एमएस एक्सेल के अंतर्गत। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में। जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, इससे जो भी हमारा वीडियो बनेगा आप लोगों को नोटिफिकेशन जरिए मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।